रिकॉर्डिंग बंद करो। नहीं पहले बताओ तो मैं बंद करूँ। पहले रिकॉर्डिंग बंद करो तो ही बताऊंगी। आप बता दो मैं बंद कर दूंगी। इडली मम्मी मुझे है ना बाबू के बहुत याद आती है। मैं ना जब दुकान पे जाते शाम तक खाना नहीं खाता, भूखे के भूखे काम करते, कुछ भी नहीं खाते पीते, कुछ भी नहीं करते, सीधे काम काम तो काम। सुबह मैं खाना खिला के भेजती हूँ ना, पापा का मैं ध्यान रखती हूँ। लेकिन वो सुबह ही खाते, शाम का खाना खाते क्यों? आप आगे आके बैठा बताओ। रात को आके खाते ना बेटा। रात को खाते ना, लेकिन शाम को तो उनका पेट खाली रहता है ना, मुझे उनकी चिंता होती है ना पापा की। और रात को भी वो बिना कुछ खाए पिए चलेगा तो मेरे को उनकी टेंशन रहेगी तो किस रहेगी? मेरी बात सुन, दुनिया के हर बच्चे को अपने पापा की टेंशन होती है। अच्छा, इसीलिए वो दुखती पतली हो जाती है। अच्छा, खाना खाएंगे ना, वो भी अंकल को सामान देना ज्यादा जरूरी था। तो बेटा अगर अभी वो खाना खाने बैठते और उनके ग्राफ निकल जाएगा तो उनका ग्राफ चला जाएगा ना। वो नरेश अंकल आते ना, उनका ग्राहक बैठा उनके दुकान पे, उनको देना तो पड़ेगा ना उनका सामान। तो मम्मा खाना खाके इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? आके खाएंगे ना। इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? कुछ बताओ ना। खाएंगे ना। इंसान खाना नहीं खाएगा? वो खाना नहीं खाते? वो भी खाना खाते हैं। ओ बाप रे, मैं खाना खिलाते ना, पापा नाश्ता ले जाते दुकान पे। टेंशन होती है ना। ओ बाप रे, ऐसी टेंशन मुझे कितना होती है पापा की, मैं क्या करूँ? अब मेरा स्वभाव इतना नरम है, मैं क्या करूँ? अब काम तो कर नहीं सकती मैं। ओ बाप, इसे रोना नहीं। मैं क्या करूँ? पापा को आप प्यार